पवन भूप उनकी बातों को सुनता है और अंजना तो शादी करके ले आता है। जब शादी के बाद पहली रात होती है, वो पवन भूप उस अंजना तो न्यू कहने लगा, ने बोली अंजना के कुत्ता मार बन जा रहा रोया, आज वाहे कहानी बन गई और तू मैं काना था तू बुरी, मेरी क्यों करे रानी बन गई। बोले तू तो इतनी सुथरी और मैं इतना काला। अंजना न्यू कहने लगी महाराज अब तो आपकी मेरी शादी हो चुकी है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन पवन भूप के खुंदक होती है। जो ताने मारे थे सखिया ने सारे छाती मरड़ के हैं, वो उनकी बातों में आके अंजना रानी को दुहाग दे देता है 12 साल के लिए। सजनों महल दुहागी में अकेली अंजना और पवन भूप लड़ाई लड़ने के लिए फौज में चला जाता है 12 साल के लिए घर से बाहर। एक रात का टाइम सारी फौज सोई हुई और पवन भूप जागता है। चकवा और चकवी आपस में बातें करते हैं कि आती रात परिंदे बोले चकवी जंग जोवे थी और पैरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सोवे थी। न्यू कहने लगी चकवी की चकवी तू कि चला गया था, तेरे बिना मेरा जी नहीं ला गया। न्यू कहने लग गया कि एक रात के बिछड़न ते दो पंछी काल पालिए और अंजना का मुख देखे मंत्री 12 साल होलिए। ने बोले मंत्री वो चकवा चकवी की प्रेम भरी बातों को सुनता है राजा पवन भूप, उसको याद सताती है अपनी रानी अंजना की। ने बोले जब ये पक्षी होके इनके बीच में इतना प्रेम है और या चकवी एक रात भी अगर अपने चकवी से दूर नहीं हो सकती तो मेरी रानी अंजना ने तो 11 साल हो गए किस तरह रही होगी वहां, क्यों कर उसने अपने दिन काटे होंगे। याद करके अंजना को पहुंच जाता है पवन भूप महल के अंदर और जाके अंजना ते राम रमी करते हैं। सजनों एक बार तो अंजना खुश हो जाती है कि पवन भूप आ गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से में भी भर जाती है। न्यू बोली, न्यू बोली ओ जले इतने दिन के बाद तने मेरी याद आई तो आई क्यों करे। न्यू बोली तेरी राम रमी तो सारी ठीक है लेकिन मेरी बात सुन ले। सजनों गुस्से में भर के वो रानी अंजना कैसे पवन भूप को क्या कहती, बिल्कुल ध्यान से सुनने लो एक बार के कहने लगी के बताया। आई तो सजनों रानी अंजना गुस्से में भर के कैसे कह रही है राजा पवन भूप को क्या कहने लगी। न्यू बोली हो राम रमी तेरी सर माथे पे, ओ क्यों कर पागी राही तने, ओ आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने, क्यों कर शान राही तने, अरे 11 साल में आज आनके क्यों कर श्यान दिखाई तने। न्यू बोली न्यू बता दे मैंने तो आज तक इस बात का पता नहीं चला कि तने मेरे तो दुहाग दिया तो दिया क्यों, मेरी बात सुन ले तू तो मने छोड़ कर चला गया था, अगर मैं भी पाछे तक कोई ऊंच नीच कर देती तो के कुछ होता। के कहने लगे पहले नंबर पांजना के बताया। दिया, 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 नियम
आप डटकी जरा लटकी जरा शुभ कर्म भी करे व तेरे मैं अलग पाप ते हटगी जरा सुबह उठ नित प्रेम भावते तेरे नाम की माला रटगी लटकी जरा जोबन में मां कैसी डरी मेरी सस्ते बाम में लुटगी यारा इतने दिन में तू पर आया इतने दिन में तू पर पाग रही तने रागने पे खुश होके आदरणीय बड़े अजीज भीषम बजाड़ जी 100 रुपए से और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। बार बार तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरे नंबर पे न्यू कहने लगी महाराज ओ बेरी कुछ तो मेरे बारे में सोचता तने न्यू पता है कि तेरे बगैर क्यों कर दिन काटे हैं। एक अकेली नारी एक अकेली लुगाई न्यू कहा करे सजनों न्यू बोली पिया जी के झाड़ झाड़ हो बैरी पिया मेरी बीरा की जात है। तने न्यू पता है कि मर्द बिना अकेली बीर क्यों कर देने काटे हैं क्यों कर रहना पड़ा करें के कहने लगे वर्तमान ये मिलके तीनों ताप हैं। पीर मर्द के बारे में कथा ऋषि महात्मा आप कहे जति मर्द ने सती वीर के छोड़न का घना पाप कहे Yeah!
भेद खोलते दिखे थे रे बे माता के लिखे लेख भी गाट तोलते दिखे थे रोज डोलते हैं दिखे थे ओ तेरे बिना इस मैल दुआगी में भूत डोलते दिखे थे मेरा पीर बिना तन ठुकर सर गया ठुकर करी समाई सोचता तने थोड़ी बहुत भी चिंता हुई मेरे बारे में कि मैं अकेली क्यों कर देना काटू तू तो मने तू आग देकर चला गया तने सोचा पाछे तो सारा रंग महल इसका है लेकिन मेरी बात सुन ले मने क्यों कर दिन काटे हैं न्यू मत सोचिए मैं बड़ी आराम कर रही हूं। आखिरी कली में जाट मेहर सिंह ने बिल्कुल निचोड़ करते हुए बिल्कुल कलम तोड़ते हुए किस प्रकार के शब्द लगाए ये लिखा Thank you.